everything. Assalamu alaikum everyone, this is Guy from Pakistan, back again with another video of GTA 5 non-steam mods. और माइकल अभी रेस्ट कर रहा है भाई अपने घर में. आज जो है वो कल की तुम लोगों ने वीडियो देखी होगी गैस स्टेशन पेट्रोल पंप की, मैंने वीडियो बनाई थी मॉड की, तो वो सही से टेस्ट नहीं हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें उसकी चल नहीं रही थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको फ़िक्स कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट चल रहा है. तो आज मैं वही तुम लोगों को दिखाऊंगा. तो पहले ज़रा ये, अबे क्या यार सिगरेट पी ले, ये नशे कर रहा है. ये देखो मैप में मैं तुम लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा अभी. ये देखो मैप ओपन करते हैं. देखो सारे ब्लिप्स आ रहे हैं, बाइकन्स आ रहे हैं, जैसे गैस स्टेशंस के लिए बना हुआ रहा है, बोट के लिए अलग है और हेलीकॉप्टर के लिए अलग पंप है. सबके पंप्स हैं यार, ज़बरदस्त है. शहर में कहीं भी हम घूम रहे हो करीब करीब तो कोई ना कोई पंप तो है ही. तो ये देखो हम यहाँ वाले में जाएंगे, सिटी वाले में. कार वॉश भी है ना, गाड़ी भी धुलवानी है और फ्यूल भी करवानी है और ऑयल वगैरह, ट्रांसमिशन ऑयल सब चेंज करवाना है. तो अभी हम जाएंगे अपने करोला लेकर. अबे उठ भी जा भाई अब. एंड ऑल्सो गाइस फॉलो माई इंस्टाग्राम, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछना हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो और वहाँ मुझे मैसेज कर दो, तो मैं इंशाल्लाह जो है आप लोगों को रिप्लाई दे देता हूँ. तो फॉलो करो मुझे, तो जो भी कुछ पूछना है क्वेश्चंस है मुझे वहाँ पूछ लेना. ओके तो दो करोला खड़ी हुई है भाई, हमने लेकर जानी है ब्लैक वाली. ये मेरी है, दूसरी वाली तो यार वो घर के यूज़ के लिए रखी हुई है, तो उसमें जिमी वगैरह जो है, ट्रेसी, जिमी, अमेंडा, ये सब चलाते हैं. ये वाली तो मेरी है यार, गवर्नमेंट नंबर प्लेट है ना, वो वाली सिंध नंबर प्लेट है. एंड ऑल्सो गाइस प्लेइंग विद लॉजिटेक G29 स्टेयरिंग व्हील प्लस शिफ्टर सेटअप. मैं हमेशा बताना भूल जाता हूँ, ये जो लोग पुराने उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नया ज्वाइन करते हैं, तो उनको बताना ज़रूरी होता है कि मैं लॉजिटेक G29 के साथ खेल रहा हूँ. पूछते हैं कौन सा स्टेयरिंग व्हील है, तो इसलिए मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ. चलो यार हमने GPS तो लगा लिया, हम गैस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं. अब ऑटो में मैं चला रहा हूँ इसको, बेहतरीन गाड़ी है. इसका तुम लोगों ने, इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है मैंने ये वाले करोला मॉडल की, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अगर तुम लोगों को पूरी वीडियो देखनी है सिर्फ इस गाड़ी की, तो वो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्ड वीडियो है उसकी, तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा. और गैस स्टेशन मॉड है उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. सॉरी कल की वीडियो में मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो में जैसे कि बताया था कि मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो जब तक वो बिल्कुल सही नहीं है तो मैं उसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, तो फिर बाद में जब क्रैशेज आ जाएँ तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे तो मुझे पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरा टेस्ट ही नहीं किया हुआ उसको. तो अब ये है कि परफेक्ट मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है, तो अब मैंने लिंक प्रोवाइड कर लिया था, तो तुम लोग वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लो. और अगर समझ में नहीं आ रहा, सही से डाउनलोड नहीं हो रहा, तो फिर मैं ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों बाद, तो उसको देख लेना फिर समझ आ जाएगा. तो देखो जैसे मैप के ऊपर तुम लोगों को नज़र आ रहा है पेट्रोल, डैमेज, ऑयल, ये सब की बार्स हैं. तो ये जो बार्स कम हो रही हैं ये पेट्रोल की बार हैं, फ्यूल की. तो हम वही जो है वो भरवाने जा रहे हैं गाड़ी में और क्लीन भी करवाएंगे भाई. काफ़ी दिनों से ये खड़ी हुई थी, कार वॉश नहीं करवाया मैंने इसका, तो आज इसको वॉश भी करवाएंगे. साथ में गैस स्टेशन के साथ ही है वो, तो वॉश करवाएंगे और फ्यूल वगैरह भरवा के फिर वापस आएंगे. सिग्नल पे वैसे मैं रुकता नहीं हूँ, लेकिन आज चलो रुका हुआ हूँ. बहुत कम फॉलो करता हूँ यार मैं सिग्नल को यार, अगर हर सिग्नल मैं फॉलो करूँगा, इतने सारे तो सिग्नल्स आते हैं, वीडियो तो इतनी लंबी हो जाएगी ही. एंड थैंक यू सो मच गाइस, हम 2K सब्सक्राइबर पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स रह गए हैं. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट. इसी तरह अपने भाई को सपोर्ट करते रहो और लाइक करो वीडियो को, शेयर भी करो, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चले आना, ज़बरदस्ती नहीं, अगर पसंद आए तो कर लेना. ओके चलो भाई, राइट साइड पर अब हम आ गए हैं फ्यूल पम्प, गैस स्टेशन, पेट्रोल पम्प, जो भी कह लो. ओके पहले वॉश करवा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम पेट्रोल भरवाएंगे. पहले पूरा इसको वॉश करवा लें.
पूरी चमक के निकलेगी बाहर, क्योंकि अभी थोड़ा सा फेड हो जाता है ना रंग, मिट्टी वगैरह लगती है, तो आप बिल्कुल क्लीन होकर निकलेगी, पूरी चमक के निकली है गाड़ी। शाइन देखो यार, कितनी ज़बरदस्त शाइन आ रही है कार वॉश के बाद। चलो पार्किंग लाइट ऑन, हैज़र्ड लाइट्स। तो अब मैं जो है सारे तुम लोगों को दिखाता हूँ पैनल्स। सबसे पहले जो है यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आता है कि ये इसका है या नहीं। जैसे ये स्मार्ट लिखा हुआ आ गया ना, दैट मीन्स यहाँ पेट्रोल भरेगा गाड़ी में, और वो जो पीछे वाला था वो डीजल था। और भी दूसरे हैं, बाइक्स के अलग हैं, हाई ऑक्टेन के अलग हैं, हाइब्रिड गाड़ियों के अलग हैं, पेट्रोल का अलग है और डीजल का अलग है। तो ये गाड़ी पेट्रोल की है तो इसमें पेट्रोल हमने भरवाना है। जैसे ये पेट्रोल का स्टेशन है तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्मार्ट लिखा हुआ, तो ये डीजल का पंप है। ओके, अब हमने भरवाना है पेट्रोल, तो हम पेट्रोल के पैनल पर जाएंगे। बाइक का है ये आई गेस, जहाँ पे स्मार्ट फ्यूल पंप लिखा हुआ आ जाएगा दैट मीन्स वो हमारी गाड़ी के लिए, मीन्स वो पेट्रोल का है। बिल्कुल आराम आराम से, थोड़ा सा क्लोज लेके जाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा दूर अगर मैं गाड़ी रखूँगा तो फिर वो ऑप्शन आता ही नहीं है। जैसे ये अभी आ गया, ओके ओके अब ई प्रेस करना होता है, मींस हॉर्न दबाना पड़ता है, तो सारा ऑप्शन खुल जाता है। देखो फ्यूल का है खुला हुआ है, और ऑयल, ट्रांसमिशन, टायर्स सब खुला हुआ है। रिपेयर का भी खुला हुआ है, लेकिन रिपेयर के लिए फिर वो मार्कर लगा देता है, फिर लॉस सैंटोस कस्टम्स में हमने जाके वहाँ गाड़ी बनवानी होती है, वो तो पूरा गैराज है रिपेयर करने का। ओके, तो अब जो है वो पेट्रोल जो है वो फुल होगा, सॉरी पेट्रोल नहीं, ऑयल, ऑयल हो रहा है अभी, तो पहले ऑयल करवा लेते हैं, फिर उसके बाद एंड में फ्यूल भरवा के फिर उसके बाद जो है हम वापस अपने डेस्टिनेशन पे मूव करेंगे। पहले पुराना ऑयल निकलता है, रिमूविंग ओल्ड ऑयल या यूज्ड ऑयल, फिर उसके बाद जो है होता है वो नया इसमें ऑयल वो डालता है। तो ये सब ऑप्शन में नज़र आ रहा है, नीचे पैसे भी नज़र आ रहे हैं कि कितने का है, कितने का बिल बन रहा है। फ्यूल के लिए तो मैं ये है कि हम ख़ुद पैसे डाल सकते हैं कितने की फ्यूल डलवानी है, ऊपर लीटर्स में लिखा हुआ है कि कितने पर लीटर पेट्रोल है इस स्टेशन पे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नंबर प्लेट, टोयोटा करोला ब्लैक में। चलो अब मैं कितने की डलवानी है, ओके फुल करवानी है मैंने टैंक, तो इतने पैसे दिखा रहा है। यस, चलो अब भाई फुल करवाओ इसको। गाड़ी में आगे बढ़ा ही नहीं सकता मैं फुल, अगर एक्सीलेटर भी दे रहा हूँ मूव नहीं हो रही है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बंद है, पेट्रोल भर रहा है और जाने भी नहीं देगा ये अभी मुझे। चलो देखो बार्स फुल हो गई, कंप्लीट, थैंक यू का मैसेज आ गया जब मैंने, ओके चलो अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये देखो ये है परफेक्ट मोड, ज़बरदस्त यार, गाड़ी चलते चलते भी रुक जाती है इसमें अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो। ये पूरा अब काम कर रहा है, देखो मैप में ब्लिप्स भी आ रहे हैं रेड कलर का, तुम लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये पेट्रोल का डब्बा जो है, ये गैसोलीन का डब्बा, तो ये जो है वो स्टेशन का है, व्हीकल्स का, लैंड व्हीकल्स का। तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ लोगो देखो घूम रहा है, कैलटेक्स का स्टेशन है ये, देखो कैलटेक्स का लोगो लगा हुआ है, कैलटेक्स पंप का स्टेशन है। अब ये अमेरिकन है तो अमेरिकन में कैलटेक्स का ये दूसरा नाम होगा इस पंप का। तो मेन जो है वो देखो वो लोगो घूम रहा है, तो ये भी जो है मॉड के साथ ही है। ओके, तो हमने फ्यूल करवा ली है, फ्यूल पूरी भरवा ली है, ऑयल चेंज करवा लिया है। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू आवर डेस्टिनेशन। क्या मैसेज आ रहा है, तो ये अब काम कर रहा है परफेक्ट ये फ्यूल मॉड, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा वो इसलिए कि उसमें ब्लिप्स नहीं आ रहे थे, और दूसरा चीज़ ये थी उसमें कि गेम बहुत क्रैश कर रहा था पहले,
तो मैंने सोचा जब गेम चला तो टेस्ट कर लूँ थोड़ा बहुत कि क्या मसला आ रहा है, ब्लिप्स नहीं आ रहे थे। अब मैंने पूरे इसकी पूरी मैंने बैठ के रिसर्च की है, सही मैंने इसकी DLL फाइल्स डाउनलोड की हैं ताकि सब चीज़ें इसकी परफेक्ट काम करें। तो अब देख लो सारे ब्लिप्स भी नज़र आ रहे हैं मैप में और परफेक्टली काम भी कर रहा है। दूसरी करोला खड़ी हुई सिल्वर कलर में, ब्लैक में यार ज़बरदस्त लगी। देखो गवर्नमेंट की गाड़ी है ना, पूरी टिंटेड हुए हैं ग्लासेस। हॉर्न भी इसका जो है वो गवर्नमेंट की तरह है, सायरन टाइप, कॉप हॉर्न कहते हैं इसको, ज़्यादातर पुलिस वालों की गाड़ियों में होता है ये हॉर्न, या फिर जो प्रोटोकॉल लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ से जाने नहीं दे रहा मुझे, वहाँ से खुला हुआ है आई गेस, वो रास्ता है स्टूडियो से जाने का। यहाँ से तो मुझे ओपन कर देगा क्योंकि ये स्टूडियो ही माइकल का है, परफेक्ट। राइट साइड पे जाना तो मैंने राइट साइड का इंडिकेटर दिया हुआ है। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि यार इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका भी एक मॉड होता है, जो मैंने स्टेयरिंग व्हील का जो मॉड है ना जिससे स्टेयरिंग व्हील उठाता है ये गेम, तो उसी के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं। तो मैं उसका जो है अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा मॉड है वो और कीबोर्ड से कैसे इंडिकेटर तुम लोग यूज़ कर सकते हो गाड़ी के या बाइक के किसी के भी, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह 2K सब्सक्राइबर के बाद। वैसे भी ट्यूटोरियल वीडियोस आ रही हैं मॉड्स की, तो इंशाल्लाह उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। ये भी करोला में घूम रहे हैं। अबे बढ़ाओ ना आगे गाड़ी यार, उंगलियां दिखा रहा है बाहर। अब बाहर निकाल के दिखा रहा है, पहले अंदर से दिखा रहा था। ओह तने भरम, कैसे भागे अब सब। लो वो गाड़ी छोड़ के नहीं भाग रहा, वो गाड़ी नहीं भागेगा। ओके तो अब माइकल अपनी डेस्टिनेशन पर आ गया है वापस। हम ऑयल भी चेंज करवा लिया हमने, इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल सब हमने चेंज करवा लिया, और अब जो है वो हमने बस पार्क करनी है गाड़ी। ये अमांडा की गाड़ी खड़ी हुई है, मिनी कूपर टाइप। फ्यूल भी हमने फुल करवा ली, कार वॉश भी करवा लिया, देखो कितनी चमक रही है गाड़ी। ब्लैक में तो यार ये मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आराम से रिवर्स करके लगाएंगे इसको, स्क्रैचेस ना पड़ जाएं। अभी तो वॉश करवा के लाया हूँ। डैडीज बैक बिचेस, डैडीज बैक बिचेस। माइकल हमेशा जब घर पहुँचता है तो यही करता है। पार्किंग लाइट्स ऑन। ओके गाइस तो ये था मॉड, फ्यूल मॉड पूरा प्रॉपरली टेस्टेड। इसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो तुम लोग जो है ज़रूर इसको डाउनलोड करो, यूज़ करो। और करोला का जो है मॉड जो है वो भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो तुम लोग वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Hey, Ava. Hey, Ava. Keep doing what you're doing. I love you, son. Whatever you say, Dad.
I'm starting to understand why Mom became a stripper and you robbed banks.